चेन्नई की सीशा फाउंडेशन ने पूरे देश भर में गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रखी है, जिसमें कैंप एक भिलाई स्थित सिलाई कढ़ाई एवं अन्य प्रशिक्षण केंद्र भी शामिल है। इस केंद्र में शनिवार को प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। जिसके तहत महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के निशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इसी कड़ी में कैंप वन भिलाई में भी इस फाउंडेशन द्वारा निःशुल्क सिलाई कढ़ाई एवं ब्यूटिशन का कोर्स कराया जा रहा है, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और सफलतापूर्वक इस कोर्स को करने के पूर्व पूरे आत्मविश्वास से भरकर अपनी जीविका तो चला ही रही हैं, साथ ही अपने परिवार की गाड़ी खींचने में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण योगदान भी दे रही हैं। ऐसे ही एक बैच के प्रशिक्षण पूर्ण हो जाने के बाद प्रशिक्षणार्थी महिलाओं को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस मौके पर सीसा फाउंडेशन के प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। साथ ही निगम भिलाई के वार्ड 30 की पार्षद सत्या देवी जायसवाल विशेष रूप से उपस्थित हुई। सभी अतिथियों ने अपने उद्बोधन में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी महिलाओं के उज्जवल भविष्य की कामना की एवं एक तरफ सीसा के पदाधिकारियों ने चलाए जा रहे महिला उत्थान के कार्यक्रम के उद्देश्य को बताया, तो वहीं वार्ड पार्षद सत्या देवी जायसवाल एवं भिलाई में संचालित सिलाई कढ़ाई केंद्र के कर्ता धर्ता समाज सेवी बी जोगा राव ने फाउंडेशन की सराहना करते हुए उनका धन्यवाद किया। सीसा और DX के माध्यम से 3 महीने पूर्व यह सेंटर चालू किया गया था। इसमें टेलरिंग एंड ब्यूटिशन का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर जय कुमार डेनियल सर, एडवाइज़र सीसा, और उनकी धर्म पत्नी जेसी डेनियल सर मैडम, और हमारे बीच में डॉक्टर जोयल सर भी उपस्थित हैं, और हमारे बीच में कॉर्पोरेटर मैडम पार्षद सच्चे देवी भी उपस्थित है, वार्ड पार्षद वार्ड क्रमांक 30 के। ये सब लोगों ने हमारे जो प्रशिक्षणार्थी के वो सर्टिफिकेट दिया और उनको कुछ टिप्स दिए कि सीखने के बाद कैसा आप लोग अपना जीविका चला सकते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार ला सकते हैं, इसके बारे में विस्तार रूप से बताया। इनके लिए मैं सीसा और DXC परिवार को, खास करके डेनियल सर को, जोयल सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वी आर हैप्पी दैट वी हैव ऑर्गेनाइज्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम एट भिलाई sponsored by DXE Corporate. We are very happy that nearly 40 students are undergoing training in tailoring and beautician. I understand from their feedback they have learned the skill and they are willing to do some job as well as to get placed in the nearby companies as well as beauty parlors. We are very happy that in a place like this, such a program is going, and it will be very much beneficial to the community. We also would like to add this training on spoken English communication skills, and they have requested to add a Meghandi course also. We'll be able to support Meghandi course and also embroidery, zardosi, other skill also as per the requirement of the community. We are thankful to the Telugu Samaj and all the other local VIPs like our corporate madam. On behalf of Shisha, we give thanks to all of you. Thank you. Shisha ka founder hai Dr. Paul Dinaran hai. Dr. Paul Dinaran Shisha ko abhi 14 years ko pehle start kiya tha. Ye India mein pura jagah mein अंडर प्रिविलेज पीपल को मदद करने के लिए ये स्टार्ट किया है। अभी स्किल ट्रेनिंग हो रहा है नियरली अबाउट 14 प्लेसेस में। ये तो अभी DXE एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंपनी है, उसके साथ मिलकर ये काम हो रहा है। इसमें वो टेलरिंग ब्यूटिशन कोर्सेस स्टार्ट किया है मेनली फॉर वुमेन डेवलपमेंट। वो उनको ये सिखाकर 4 महीना में सिखाकर वो लोग अपने आप वो जॉब में ज्वाइन करने के लिए और अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये मदद हो सकता है। अभी वो लोग बोला है कुछ एक्स्ट्रा मंथ देना है ट्रेनिंग में,
उसमें हम लोग सोच रहा हूँ वो कैसा दे सकता है, उसमें अगर उनका फ़ायदा होता है वो भी हम जरूर करूँगा। और इसके साथ साइड बाई साइड और ट्रेनिंग भी स्टार्ट करने के लिए बोला था, वो भी हम लोग ट्राई कर रहा हूँ। उनका इंग्लिश सिखाने के लिए और कंप्यूटर सिखाने के लिए वो भी इसके साथ होता है ना, वो लोग मल्टी लैंग्वेज में वो बात कर सकता है, इसलिए जितना हम लोग मदद कर सकता है शीशा कबार थ्रू भी हम लोग जरूर करूँगा। इस समय DXC कंपनी का भी हम लोग धन्यवाद करता हूँ। सेम टाइम यहाँ लोग, यहाँ जितना लोग गवर्नमेंट साइड है वो कॉरपोरेशन साइड है, उनका भी हम धन्यवाद करता हूँ। प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं ने यह बताया कि किसी भी प्रकार के स्वावलंबन से जुड़े हुए प्रशिक्षण को प्राप्त करने के लिए कुछ धनराशि खर्च करनी पड़ती है, परंतु धन्यवाद है शीशा फाउंडेशन का जिन्होंने स्वावलंबन से भरे हुए प्रशिक्षण को निःशुल्क कराकर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शीशा फाउंडेशन संस्था जो है ये बहुत अच्छी संस्था है, इनके द्वारा हमारी बहनों को यहाँ जैसे कि ब्यूटिशियन हो गया और एम्ब्रॉयडरी है, सिलाई है, तो सीखने को मिलता है वो भी निःशुल्क। जोगा राव भैया जो हमारे बड़े भैया हैं उनके द्वारा यहाँ पे संस्था चलाई जाती है, और इस संस्था में काफ़ी बहनें हैं हमारी, कम से कम 50-60 बहनें अभी यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी निःशुल्क सीखती हैं, और सीख करके वो उतनी ज़्यादा मतलब जागरूकता उनके अंदर आई है, क्योंकि लोगों को नौकरियों की ज़रूरत होती है, पर हमें लगता है कि हमारी इन बहनों को नौकरी कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है, वो तो स्वयं चाहेंगी तो दूसरों को नौकरी दे सकती हैं, क्योंकि काफ़ी सक्षम हैं और सीख करके जो है ब्यूटी पार्लर का कोर्स बहुत अच्छे से सीखा है उन्होंने, और सिलाई एम्ब्रॉयडरी ये भी बहुत अच्छे से उनको आ चुकी है, तो वो खुद स्वयं इस चीज़ को फिर से अपनी तरफ से चलाना चाहती हैं और स्टूडेंट को जोड़ती हैं और सिखाती हैं, तो ये बहुत ही सराहनीय है। और जोगा राव भाई जी के बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी मैं, क्योंकि इतनी सारी बहनों को एकत्रित करके उनको सिखाना इस तरह का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि बहनें घर में रहती हैं तो काफ़ी भैया परेशानी होती है उनको, कुछ मान लो अगर कोई हमारे पास कारोबार नहीं है और हमारे पास पैसे नहीं हैं तो बहुत दिक्कत होती है, यदि वो अपने पैर पर खड़ी हैं और इतना अच्छा सीखी हैं और यहाँ क्या निःशुल्क सिखाया जा रहा, कोई पैसे भी नहीं लग रहे हैं, तो सीख करके वो अपने पैर पे खड़ी हो रही हैं और प्लस दूसरों को भी सिखा रही हैं, तो बहुत सराहनीय, बहुत अच्छा काम है। आप सभी को बहनों को मेरा धन्यवाद, आप लोग इसी तरह सीखिए और आगे और बाकी लोगों को भी सिखाइए, क्योंकि आप सभी नौकरी खोजने की ज़रूरत नहीं है। आप काफ़ी हद तक मैंने सीखा है और मैं अपनी फैमिली और आजू बाजू के जो भी महिलाएं हैं उनका मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ अगर वो करना चाहेंगी तो, और काफ़ी अच्छा सिखाया गया है यहाँ पे, और जैसे जोगा राव सर है यहाँ काफ़ी सपोर्टेड है, और जो डायरेक्टर है यहाँ के डेनियल सर काफ़ी सपोर्टेड हैं, जो काफ़ी अच्छा लगा वो महिलाओं के लिए इतना हमारे बारे में सोचते हैं, इतने दूर से हैं हम और हमारे बारे में वो सोचकर हमारे आगे भविष्य के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, सो थैंक्सफुल सभी सर का और जोगा राव सर का जो काफ़ी अच्छा सोचते हैं। जी जी, बस यही था कि हाउस वाइफ या फिर घर पर रहो, और अब ऐसा लगता है कि शायद मैं घर के लिए कुछ कर सकती हूँ, और घर का कुछ नहीं तो मुझे लेना ना पड़े, कम से कम मैं दूं अपने से, अब मैं इस काबिल बनना चाह रही हूँ और शायद कहीं हद तक मैं बच चुकी हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंट के साथ हूँ मैं, और अब ऐसा गिल्टी फील नहीं लगता है कि मैं कहीं से झुक कर रहूँ क्या सोचूं। सर 3 मंथ्स बैक हम लोग को यहाँ पे कोर्स स्टार्ट हुआ था फ्री क्लासेस का शीशा के तरफ से, और हमें इतना तो कॉन्फिडेंस है कि हम बाहर जाके कुछ ना कुछ काम तो कर सकते हैं हमारे पैरों पे, और हम अपने तरफ से तो इतना तो हम कोशिश कर सकते कि हम कुछ ना कुछ अचीव कर ले लाइफ में, और शीशा एंड DXC को तो हमारे हार्टफुल थैंक्स है कि उनके वजह से हम सबको यहाँ पे सीखने का मौका मिला। भिलाई शहर में ऐसी कई संस्थाएं हैं जो निःशुल्क प्रशिक्षण देने का वादा करती हैं, परंतु जब प्रमाण पत्र देने की बारी आती है तो उसमें कुछ ना कुछ शुल्क प्रशिक्षणार्थियों से वसूला जाता है, परंतु शीशा फाउंडेशन ने पूर्णतः निःशुल्क अभियान चलाकर महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में अपना नाम ऊंचे स्थान पर बनाया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।